निगम तुरंत बाद लिखा जड़े आंदे रात साबत नहीं, उन्होंने पूरी छानबीन नहीं की थी। मेरी तरह अगर वो इकट्ठा कर देता 8-10 हदीसा मैं देतियाँ, यह जे कच्चियाँ पक्या भी तद भी इन्हें जान है बहुत कुछ है। यह रिसाला तकसीम हो रहा जिस बारों मैं कहा कि अल्लाह के रसूल की सुनत ऐसी नहीं जरा उठे उसे मिट्टी कटर ला दे, इतने हर शायद परखी की और इस कोई नहीं फलाने आख्या फलाने हर एक को साढ़े को ऐसे आ रहे मौजूद असं वेख सकते हैं मेरी तहकीक सही है इन्हें गलती कर दी है। तहकीक गलती होने जुर्म नहीं, वो भी आलम लोग बड़े नासरुद्दीन अलबानी इस जमाने के मुहद्दिस असर मगर नहीं ये तहकीक गलत है, ये हदीसा कोई नहीं ठीक ना इन्हों का कोई वजूद है गलत। ये लैलतुल निस्म साहबान जी शब बरात आम कह दें पहला तो यह गलत है झूठी है सच्ची बरात कहना अगे हमदा बोलना वरना बरात कोई नहीं। बरात यह जी शादी से होंगी है या किस्मत आते बरात बरात नहीं लफ बरात जिमें सूरा तौबा दे शुरू चा बरात मिन अल्लाह व रसूल बेजार होना बड़ी होना बरात लफ तो लैलतुल निस्म मिन साहबान सही है अल्लाह के रसूल की सुनत समझो इतनी हिफाजत है बारीक की इतने किसी का लिहाज नहीं कि फलां एडा आलम आता ठीक है साबित करे कहते ना ठीक है। अलामा नासरुद्दीन रहमतुल्लाह ने इतने ये भी किया भाई जिस बंद ने कहता ना कि नहीं सही हदीस वो पूरी तरह तहकीक नहीं कर सकिया तो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला असं बुजुर्ग आलम दसना चाहते भी सब सह साड़ी नज़र एवें ना कोई कह भी उस एवें कहीं दे नहीं सही सब साड़ियाँ पढ़िया रसाले सानू धोखे नहीं दे सकते हर शहन उसी जान ऐ समझो मासाफी लैला तंदिस जिल्द की तीसरी है और सफ़ा 135 तो शुरू होंगी है और सारी बहस जी फिर 139 सफ़े तक जाती नंबर हदीस का जिला 1144 देता यद तले उल्ला तबारक उतारा अला खलकी लैला तंदिस मिन शाबान के शाबान की 15वीं रात में अल्लाह अपनी दुनिया से नज़र मारता बिल्कुल जलवा गर हों फिर ले जमीए खल सारी मखलूक न बख्श देता इला ले मुशरक ना मुसाह सिवाय मुशरक दे और कीने वाले आंदे सही हदीस है। बहुत सारे साहबा तो आई कई तरीक़े आई उन्होंने नाँ लिखे फिर अगे नंबर वार हदीसा दिखाई सारी बहस कर दे जुमला तुलकौर खुलासा आंदे है सारी गल का अनल हदीस बे मजमू हाजिर तुर्क सही बिला रै आंदे हदीस जी ने इन सनदा आन पारों बगैर किसी शक तो सही कमजोरियाँ मनी गया कह दे खामी ए मगर आंदे इन्ने ठीक बस सेहत तस्बत बेकाल मिन आदन माह दाम साल माह मिन जोफ शदीद माह शान आदल हदीस तो आंदे हदीस सही जी तो थोड़िया ना भी साबित हो जाती ये तो 8 है ना थोड़िया भी रवायत उन्होंने भी सही हो जाती मैं 8 करती कट्ठिया जदों के वे ज़्यादा कमजोरी ना हो जैसा कि हदीस पंबा नकल शेख उल कासमी रहमतुल्लाह ताला फी इसराइल मुसाद सफ़ा 107 अनाहल तादील व तजरियन उलिया साफी फजल लैला तिन से मिन शाबान हदीसों से आंदे अलामा जमालुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह ने जड़ा अपनी किताब इसराहुल मसाज लिख दिता कि हदीस के आलम जड़े परखन वाले आते भी इस रात के बारे कोई सही नहीं हालांकि उस्ताद से इन्होंने कासमी साहब आंदे नहीं फजह साहब मजब बगैर इतमाद रहा कासमी साहब जी इस गल नहीं मनना चाहिए वरा इन कान आहद मिनहान अतला का मिसल हाजुल कौल अगर किसी आलम ने इदा लिख भी दिता इन्हों इलम तो नहीं लिख दिता इमाम अबुल खत्ताब ने दे लिखा कि कोई इस बारे सही हदीस नहीं मगर आंदे अगर किसी ने आलम ने लिखा भी है फैना मऊत या मिन केवल तसर रोए मुसर जा तो इस पारों पर उन्हें जल्दी की है और पूरी कोशिश नहीं की जो किताबों से ढूंढता फिर फैसला करता ले तब तुरक आहद नजी बनाई जाए जिस तरह मैं मेहनत करके सारिया लभ के तेरे अगे रखती हूँ इस तरह नहीं उस आलम ने की इस तो अगर आंदा नहीं सही तो उसकी तलाश कमी रह गई है वल्ला तआला हर मुवफ़िक़ ऐ हुण रसाला बन के शहर तकसीम हो रहा मगर सुनत की हिफाजत सब से लाजम मिलावट नहीं होन देनी ना असीं अलामा अलबानी साहब नूं बुरा कहने उन्होंने अपनी छानबीन मगर यह उन्होंने की गलती है भी समझते भी होर किसी ने छानबीन नहीं की हालांकि 8 सी इमाम इब्न अल-जौज़ी 10 कट्ठियाँ कर और पहला इन्हों तो सदियाँ गुजरिया उन्हें 10 जड़े सी रवायत कट्ठिया करतियाँ अर इरालमतराहिया फिल अहादीस वाहिया कि कमजोर रद्दी रवायत जड़िया उन्हें की खामियाँ अब्दुल रहमान बिन अली इब्न जौज़ी तैमी रहमतुल्लाह ताला अल-जुज़ुस्सानी हाँ दूसरा जोज़ आ और यदा समझ सफा जड़ा ना 66 तो शुरू होंगी है हदीस फी फजीलत लैलत निस्म बिन शाबान 915 नंबर तो चल के और जाती है फिर जाके 924 तक यानी 10 हदीसा
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾਹ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰਉਦੀਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਭੇ 8 ਲੱਭੇ 10 ਲਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਔਰ ਖੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਪਰੋਂ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰਉਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆਲਮ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਹਿਰਲੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਰਸਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛਪਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਾਲੇ ਛਾਪਦੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੀ ਰਾਤ ਔਰ ਮਖਸੂਸ ਇਬਾਦਤ ਇਨ ਹਦੀਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਤ ਕੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇ ਇਨ ਰਵਾਇਤ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸਮਝੋ 291 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 203 ਤੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੱਕ 201 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ 304 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ 14 ਸਫ਼ੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਨਾਸਰਉਦੀਨ ਅਲਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਾਣ ਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ